दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अब महज 3 दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी और दिल्ली की सत्ता पर लगातार 15 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस का प्रचार अभियान में अभी तक जोर पकड़ता नहीं दिख रहा है। आखिरी दौर में आज प्रियंका गांधी की जनसभा दिल्ली में है, जिसमें राहुल गांधी की भी मौजूदगी रहेगी। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं एनडीए के सहयोग के लिए नीतीश कुमार की भी रैली से दिल्ली दो चार हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली चुनाव के लेकर कांग्रेस के इस ठंडे रवैये से पार्टी कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा बीजेपी के नेता चिटिंग हो रहे हैं। इस चुनाव से अब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से दूरी बना रखी, उससे कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मौन सहमति जैसी कोई डील हो गई है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तरह इस चुनाव में भी अपने प्रदर्शन में सुधार करती है तो इससे बीजेपी की राह और आसान हो जाए।